राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 17। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 17। एलिया के काम का आरंभ। और तीसवी एलिया जो गिलात के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूर्व ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिप रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी में ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर तीन बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है।